ये देखो 5:30 बजे ही। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते लवली पीपल। बस तेरा बिल्कुल सब कुछ साफ कर दूंगा। मैं बहुत आस तो भाई रखया सी कि किवें गायब हो गया। ए ले मैं कल्या आ रही हूं बजो। हां पता लग गया। नहीं ऐसे थोड़े भी ऐसे थोड़े भी ये तो 25,000 की पांच भी थोड़ी है। आहो 25,000 की चीज है मेरी ग्वाजर। इन दाग नहीं लगा इससे करके मैं करना है शहर रे कर। आहो ले थाने पता थोड़ी लग गया। फिर हां आए तो थोड़ा कोई भी काट के ले जा। फिर हां मैं ये पा रही नहीं। मम्मा सवेरे सवेरे नहा के रेडी हो जाती है और मुझे घूर के देखती है कि शेती नाला। लेकिन मैं भी वैसी हूँ पहले जैसी, बिल्कुल सबसे आखिरी में नहाती हूँ। और यहाँ पर जो है आंगन धुल रहे हैं, ये हमारी गिरजा टू हरप्रीत अपने गिरजा वन बाहर है। गिरजा वन दिखाती हूँ मैं आपको, लाइक ये हमारी गिरजा वन जो पूरा क्लीन कर रही है। और हरप्रीत पूरे वेड़े धो रही है। हरप्रीत डेली वेड़े धोती है और अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे से धो रही है कि हमारा हुरैन यहाँ पे घूमते रहता है। हेलो भाभी, तो गिरजा ऐसा नहीं अकेले करती है, गिरजा के साथ मम्मा और हरप्रीत ना हम देखते हैं पहले से ही। मुझे बड़ा गुस्सा, मेरा बड़े झगड़े होते थे गिरजा से, मैं नहीं कराऊंगी तेरे साथ। गिरजा बोलती थी करा ना, घर बड़ा है। तो आज हरप्रीत सर कपड़े भी धुलवाएगी और मैं आपको अभी नेक्स्ट व्लॉग में जो है पूरा घर भी दिखाऊंगी, क्योंकि आपने भी हमारा से नीचे का ही घर देखा है तो जितना नीचे है उतना ही बड़ा ऊपर भी है। और चलो अब मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं और मैं वेली घूम रही हूँ। यहाँ पर हमारा नैन्सी पढ़ाई कर रहा है और ये बहुत सारे कपड़े जो अभी धोने हैं हरप्रीत ने और भाभी जी ने। किचन के सारे काम हो गए हैं, किचन हमारा पूरा क्लीन एंड क्लियर है। तो चलो अब मैं फ्रेश होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं पता है यहाँ इस गंदू बच्चे के लिए बैठी हुई हूँ। गंदू नहीं, अच्छे बच्चे के लिए बैठी हूँ, अच्छे बच्चे के लिए। अच्छे गाइस, फूफू जी आ रहे हैं तो उसकी तैयारियाँ चल रही है। तो गाइस अभी प्लांट्स हमारे लिए आए हैं। हाँ 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 बुआ जी, थारा भाई जोगिंदर है, ध्यान रखते हैं। वो तो मैं थोड़ा हंस दूं तो जगमग हो जाएगा बेटे। यहाँ पे वेलकम लिखना है। अरे तू हंसेगी तो समझ बड़े। मैं सिर्फ आ गई ना, चांद का रोशन चेहरा है मेरा, जगमग एवी हो जाना है ना हुरू। गाइस मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो भी देने वाली हूँ जहाँ आपको ये पता चलेगा कि जब मैं थी और अब जब मैं आई हूँ इन 12-13 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं घर में। ठीक है, ये हमारे माली भैया भी आ गए हैं। हमारे ये जो ग्रीन ग्रीन आपको पूरे दिख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स, इन सब की रखवाली हमारे माली अंकल करते हैं। और ये बाहर भी है कैरिया, उसका भी ले आंदा पुत्र। थैंक यू मम्मी का झाड़ों का बहुत ही छोटा सा कलेक्शन है, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है पूरे प्लांट्स, छोटे छोटे हैं। ये देखो और ये देखो, ये देखो आज इन सब में खाद डलेगी। और यहाँ पर देखो कैरी है। तो माली अंकल काफी दिन से आए नहीं थे, दिवाली थी ना, तो आज ये सारा कुछ सेट करके जाएंगे। वेल दिखा दो। और इस तरफ भी है, ये देखो केड़ी वेल। हाँ और ये देखो हमारे मनी प्लांट की बेल, यहाँ से शुरू होते वो लास्ट तक जाती है। वो देखो उधर तक वो लगने जा रहे हैं, ये पूरी जाती है। तो ये बेले बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और ऑल क्रेडिट गोज टू माली भैया। ना ज्यादा तंग करते हैं हमारे बच्चे, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं लगती, बड़ा तंग कर दिया। दिन भर इनकी मस्तियाँ खत्म नहीं होती। और थोड़ा सा रेडी होती हूँ, कोई भी आ जाता है मुझसे मिलना।
वाओ स्किन साइंस की तरफ से की गई छोटी सी शुरुआत और मैं भी यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश। विटामिन सी हमारी फेस एंड बॉडी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करता है और साथ ही जो ये वाला फेस वॉश है इसे प्लास्टिक यूजेज को 45% तक रिड्यूस किया गया है एंड इसमें जो पेपर यूज़ किया गया है वो FSC सर्टिफाइड है एंड बहुत ही ज़्यादा लेस क्वांटिटी में वाटर पर एब्जर्व करता है। पेपर ट्यूब पैकेजिंग है इसकी और आउटर पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें मिल जाता है एक्टिव विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, मलबेरी एंड लिकराइज जो हमारी फेस स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ये हमारी फेस स्किन को इवन स्किन टोन देने में हेल्प करता है, पिंपल्स होने के बाद जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इवन साइंस ऑफ एजिंग जो प्रॉब्लम होती है उसे भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वाओ के सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बने होते हैं और आपको सारी प्रोडक्ट्स पर QR कोड दे दिए जाते हैं तो आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इसे स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं और सारे ही लिंक्स एंड डिटेल्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, चूज रिस्पॉन्सिबली, बी वाओ नेचुरली। मम्मी अपने सोने के भी टाइम पे इसको लेके घूमती रहती है। ये लड़की इतना तंग करती है नानी मम्मा को, इतना प्याल, इतना पाल। चप्पल पहन के घूमती हूँ आप लोग को इतना नहीं, मेरे को सर्दी है, मेरे को जुखाम है, मेरे को और हो जाएगा। हाँ मेरे पेपर है गाइज। आज हरप्रीत ने पूरे वेड़े धोए ना, तो नैन्सी की चप्पल भी धो दी, तो चप्पल भी धो दी, वो गिल्ली हो गई अब बेचारी, वो गिल्ले बेल्ट वाली चप्पल पाके जाओगी। और आगे साड़ी चा, ये टाइम मेरा इतना फेवरेट टाइम होता है, मैं क्या बताऊं इसका। ऐसे मेरे को नीचे छोड़ दो, बस ऐसी कर रही है, बस ऐसी कर रही है, ये प्यारा सा फेस ऐसे नहीं, थल्ले नहीं छोड़ना जमा अभी। ये देख मैं चाय पे मार देंगे, आ गया मन्ना का मेकअप किट, अब इससे थोपेंगी वो इतना मेकअप, मैं हैंड पे बांध रहूंगी तब तक वो थोप ही रहेगी। अल्तम मछली की आज्ञा हमारे माली भैया का, माली का सामान उठा। गाइस एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं थोपती रहूंगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बदतमीज लड़की से बोला कि क्या आप, नहीं मैंने उस बदतमीज लड़की से पूछा क्या आप मेरा मेकअप किट लाके देंगी, तो इसने बड़ी इज्जत से कहा नहीं जी, और बाद में लाके दे दिया। हाँ मेरी प्यारी, अरे हम दोनों ही पता है बहुत लायक है इस घर में, बाकी सारे नालायक है। यस यस, सिर्फ नैन्सी और मैं लायक है। देखना मेरी गाइस, ये सारे गंदे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं अभी। काम पे पानी डाल दिया है, मेरे और बंटी की लड़ाई होती ना उस दिन, ये जरूर आता मालिक फिर इंड में पूरा गुस्सा निकल जाता। मैंने भैया को भगा दी थी अभी 6 महीने बाद बुलाई है ना, और गिरजा में निकलना बस, गिरजा और माली भैया दोनों की उस दिन लग जाती जिस दिन इनका झगड़ा इनके मियां से हो जाए, वाट लगती, वाट वाट लग जाती है। डैडी का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे आप, आओ गुस्सा हम पे भी निकाल रहे आप मामी। तो अभी नैन्सी जा रही है ट्यूशन, नहीं मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी, आपको आपकी बेटी की एक भी कम्प्लेन नहीं मिलेगी। ओके चाल ले तुम ही लोग, चल क्लीन कर लो फिर, चल वॉश करवा के ले आइए कार, चलो जाना पड़ेगा, 2 मिनट में आ जाते देखे। हाँ 2 मिनट नहीं, तेरी मम्मी आके इन्हें लोगी फिर जावांगे, बाय फटाफट देके आ जाते अपन। गाइस हम खा रहे हैं मटर पनीर गरम गरम फूल के। बंटी क्यों गए, बंटी ए मेरे, ए मेरे भाई चाय फाड़ ला, सिटी तेरी चाय हो गई है हमारी, हमारी चाय कम हो गई, हम अपने लिए बनावत है आज, भाभी दी चाय कट पेगी तो वो बेचारी बना रही है। और पहले हमारी भाभी की शादी से हुई थी तो भाभी से किचन में अपने सामने ही रखती है पहले से, पहला पति है मेरा, पहला पति है ये, यही रखती है इनको, हटाती नहीं, खुद से दूर नहीं करती। एक और है, कौन दूसरा, कौन है ये दूसरा, एक चिट्टा था एक हरा, एक आरती बुक का डॉक्यूमेंट। हम आ गए थे हमारे बुटीक जाकर, एक्चुअली जरी पटका में है दयानंद पार्क के पास, जो दीदी जो है कपड़े सिलती है,
अब मुझे बताओ लेडीज बुटीक में मुंडे जानते हैं कि हाँ हमारे को कुछ खिला दिया तो दिला दिया रहता तुम लोग पानी पूरी खाने गए थे ना याद आया अभी क्या खिलाओ अभी देखते हैं आज तो गाजर मटर भी बन रहे हैं आज हमारे घर बन रहे हैं गाजर मटर की सब्जी जो मेरी फेवरेट हुआ करती थी और पता नहीं क्यों मुझे वो मम्मा हर पर इन्हीं के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है तो आज हम खा रहे हैं गाजर मटर मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनती है अभी कुकर में सीटी आएगी डैडी रेस्ट कर रहे हैं भेजने वाले हैं तो नैन्सी का भी टाइम हो गया ये सब्जी चढ़ाई हुई है और ये दाल है ये दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है सारी तैयारियाँ मतलब किचन में हो चुकी हैं बस फुलके गर्म गर्म बनाएंगे और सबको खाना देंगे हाँ हजे नहीं हुई है मम्मा सीटी में ये लोग बैठे हुए मामा किचन में जाती हैं देखती हैं उसके बाद मम्मा आती हैं उसके बाद मम्मा सीरियल देखती हैं फिर मम्मा वापस जाती हैं और रात में ये जितने पीड़े हैं उठा के यहाँ पे होते हैं जो मम्मा ने वहाँ रख दी है गाइस ये सोना बेटा उठ गया ये मेरा सोना बेटा इवनिंग में फ्रेश हुआ और उठ गया और उठ गया मेरी मम्मी पूरे घर की लाइट्स ऑफ करती रहती हैं और मैं ऑन करती रहती हूँ मैं पहले भी ऐसी करती थी मैं अब भी ऐसी करती हूँ अब मेरे लास्ट के 2 डेज बचे हैं मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं अब लकी आ जाएंगे कल इवनिंग तक परसों यहाँ आएंगे और फिर एक दिन बाद हम चले जाएंगे मैं बहुत दिन रही बट मैंने व्लॉग्स बहुत ज़्यादा शूट नहीं किए क्योंकि हम बाहर ज़्यादा गए है ना मम्मी हम बाहर ज़्यादा गए और घर पे कम रहे बट बहुत अच्छा वक्त गया मेरा पहले जैसा ये आ गई ट्यूशन से ये 3 to 4 hours अपनी ट्यूशंस करती है उसके बाद आती है हुरैन की पैन आ गई हुरैन की पैन आ गई बेटा पैन हुरैन तंग किया था भुआ ने जब हम गए थे हुरैन हाँ हुरैन जा कर कंप्लेन कर फिर गल करूँगी मेरे ना बता अब हुरैन कंप्लेन करेगी अगर मैंने तंग किया है तो मुझे पनिशमेंट देगी नैन्सी अदरवाइज नहीं हरप्रीत बात कर रही है संध्या से हमारे नेबर है आज मुझे उन्हीं के घर से पाव भाजी आई थी मेरी दावत थी मेरे आंटी में इतनी जल्दी नहीं खाती और वो चले जाते हैं बच्चों को लेकर तो फिर उन्होंने घर पे ही हमको जो था सब ला के दिया बहुत टेस्टी थी पाव भाजी गाइज मैंने अभी जस्ट अपना अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बोला और ये तो मेरी फैन हो चुकी है यू नो फैन मैं नहीं गाइज ये मेरी हो चुकी है मैं हुई गाइज ऐसी गाइज हम दोनों ही हमारे खानदान में बहुत लायक हैं यू नो पहले मैं थी सिर्फ अकेली और मेरे बाद यही पैदा हुई है अदरवाइज तो सारे नालायक है सारे दलिदर से है ढिल्ले है कोई काम के नहीं है और उनसे हमको अगर हमारा बस चले तो हम सवेरे ही उठ के शॉपिंग करने निकल जाए लेकिन हमें ऐसे ऐसे दलिदर लोगों को हीरो हमको झेलना पड़ता है ना हम क्या बताएं इतना काम करती हूँ मैं तो सुबह से ये भी अपनी पढ़ाई काम क्या बताएं तब जाती हूँ बहुत ज़्यादा वो तो हम है ये तो मानते हैं ये तो मानती है कि ये कितनी बड़ी फैन है हमें हमारी हमारी हम जितने एक्टिव है यू नो उसकी डैडी देख रहे हैं डैडी गाइस मेरी मम्मा ने दोबारा से लाइट्स ऑफ कर दी मेरी मम्मा आके लाइट्स ऑफ करती हैं हम आके ऑन करते हैं फिर हम बैठते रहते हैं मस्ती रहते हैं हुरैन को जुकाम हो गया ना तो हुरैन भी रो रही है और मुझे भी अब हल्का जुकाम लग रहा है हल्का नहीं पूरा ही लग रहा है मैं हुरैन का सेरेलेक रेडी करती हूँ हरप्रीत खिला देगी अपने गैस से कुछ है हुरैन को जो हम सेरेलेक देते हैं वो दिन में 3 बार दे रहे हैं कई जी गाने यहाँ ऊपर बज रहे हैं गुरु को ऐसे खिलाने के लिए लोग ये कर रहे हैं Happy New Year!
गाइस इस घर में हम दोनों की कदर नहीं है, सबकी कदर है। हमको बोलते हैं दूध गर्म कर दिया जाके पी लो, एक दूध का ग्लास ही पकड़ा सकते, इतनी प्यारी क्यूट सी लड़की। हाँ हाँ गाइस ऐसा है गाइस हमारे साथ, हमारी कोई कदर नहीं है। पर्दा फास्ट होके रहेगा, यस फास्ट कर देंगे इनका पर्दा पूरा खींच के। एक्चुअली हुरैन को बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया है और हम अभी मेडिकल जा रहे हैं रात में 10:30 क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। डॉक्टर ने जितनी भी दवाइयाँ सेंड कर दी हैं तो बस लकी सेंड कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, ये देखो हुरैन रुहाइबल। तो गाइज हम अभी फ्री होकर बैठे हैं और बहुत सारी बातें की हमने अभी वीडियो कॉल पे। मेरी मम्मी को क्या हो जाता है, मेरी मम्मा को दिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं, आके लाइट ऑफ कर दी। तो आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं खत्म करके अब मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। और बहुत जल्दी लकी आने वाले हैं, सो तैयारियां चल रही है जवाई साहब के आने की। गुड नाइट। ये वाला देखो, ये वाला वाइट खरगोश ये आज 3 बजे उठ गया और इसने नानू को, नैन्सी को, मामी को, मामा जी को और मेरे को सबको उठा दिया। ये देखो इतनी रात में ये खरगोश तंग कर रहा है। ये देखो 5:30 बजे ही कुछ नहीं बोला, कैसे बता रही 5:30 बजे और ये लुढ़क गई। तो पूरा अंधेरा है, 5:30 बजे हरप्रीत जा रही है गुरुद्वारे सवेरे सवेरे, इतने सवेरे जाती है। हाँ बिल्कुल।